देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रुड़की और भगवानपुर विधानसभा में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की तहसील में सूचना के अभाव में समस्याएं कम आई। वहीं भगवानपुर तहसील में डीएमआर द्वारा ने जनता दरबार लगाकर आमजन के समस्याओं को सुना। भगवानपुर तहसील दिवस में मात्र 65 समस्याएं आई, जिसमें से मौके पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया और डीएम ने सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। भगवानपुर तहसील दिवस के दौरान दो फरियादी हाथ में पॉलिथीन लेकर पहुंचे थे, जिन्हें देखकर डीएमआर द्वारा दीपक रावत ने सबसे पहले दोनों फरियादियों के पॉलिथीन को लेकर 250 रुपए का चालान काटने के निर्देश दिए और नगर पंचायत ने दोनों फरियादियों का चालान कर दिया। वहीं डीएम हरिद्वार रावत ने कहा कि तहसील दिवस में जो भी आमजन की समस्याएं आई हैं, एक महीने के अंदर सभी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। तहसील दिवस में सबसे ज्यादा समस्याएं अवैध कब्जा, शौचालय, बिजली, सड़क, पेंशन और चकबंदी को लेकर आई थी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से अली जैदी की रिपोर्ट। देखिए, 65 समस्याएं कुल आज तहसील दिवस में आई। इसमें से कुछ समस्याएं तो नगर पंचायत भगवानपुर से रिलेटेड थी, जैसे कि एक तालाब है जिसमें किसी के टॉयलेट का पानी जा रहा है, उसमें कूड़ा फेंका जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि टॉयलेट पब्लिक के लिए यहाँ पे नहीं है। एक टॉयलेट है जिसपे ताला लगाया हुआ था, उसको खुलवा दिया है हमने। लेडीज के लिए और टॉयलेट बनानी है, वो हम बनवाएंगे। कुछ समस्याएं यहाँ पे जो काफी बड़ी संख्या में आई है, वो है गाँव में जो हमारे तालाब है, जौहड़ है, उस पर कब्जे को लेके एक आध जगह पुलिया टूटने की भी शिकायत हमें आई है। तो ये सारी शिकायतें हमने दर्ज की हैं, इनको हम रजिस्टर भी कर लेंगे और इसका हम एक महीने में कंप्लायंस भी यहाँ पे SDM साहब और जो संबंधित विभाग हैं उनसे मांगेंगे।